नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट के बारे में। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप चाहते हो कि आपका दोस्तों डेबिट कार्ड है अकाउंट का वो आपके पसंद से बने, यानी दोस्तों आप चाहते हो कि आप अपने डेबिट कार्ड पर कोई भी फ़ोटो लगवा सकते हो, कोई भी फ़ोटो लगवाना चाहते हो, जैसे दोस्तों स्पोर्ट की या दोस्तों आर्ट वगैरह की, ट्रैवल की, दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटो डेबिट कार्ड के ऊपर लगी हुई आती हैं। बट दोस्तों, जो कार्ड हमें बैंक की तरफ से मिलता है वो एक नॉर्मल तरीके का देखने में होता है। तो आप चाहते हो कि आपका भी डेबिट कार्ड एक अच्छी तरह देखने वाला डेबिट कार्ड हो, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगे, काफ़ी कूल लगे, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक अपने डेबिट कार्ड पर कोई भी फ़ोटो लगवा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल से ही कार्ड अप्लाई करना है और आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही अपने पसंद का डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो, जिसमें दोस्तों आपका फ़ोन, आपके डेबिट कार्ड और वही फ़ोटो लगा हुआ आएगा जो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा, जो आप सेलेक्ट करोगे, जिसमें दोस्तों आपको चार्ज क्या देना है वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, वीडियो खुलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, देखिए साइड में लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, ये देखिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड स्पेंड कार्ड, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ दोस्तों देखिए लिखा हुआ आ रहा है इमेज डेबिट कार्ड। अब इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे लॉगिन करना है, यानी अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, तो मैं फिंगरप्रिंट से करता हूँ, क्योंकि मैंने फिंगरप्रिंट सेट किया हुआ है। ये करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ये इमेज डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको किस तरह की इमेज का डेबिट कार्ड चाहिए। देखिए अगर आप इस तरह का लेते हो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ये दोस्तों जो फ़ोटो आपके कार्ड पर लगी हुई आएगी तो आपको 199 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। यहाँ पर तरह तरह के दोस्तों फ़ोटो आ रहे हैं, आपको जो भी कार्ड आप अच्छा लग रहा है आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें दोस्तों आपको 200 रुपये का पेमेंट देना होगा। अगर दोस्तों आप कोई और तरीके के करना चाहते हो, यानी सिटी वगैरह के फ़ोटो हों आपके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस तरीके का कार्ड आपको मिलेगा। और आप अगर कुछ ही और चाहते हो, ट्रैवल वगैरह स्पोर्ट चाहते हो, तो दोस्तों देखिए इस तरह के मिलेंगे। बच्चों के कोई फ़ोटो होते हैं जो वो चाहते हो, दोस्तों आप देखिए इस तरीके से अपने कार्ड पर ऐसे शो कर सकते हो, और जो भी फ़ोटो आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके का आप अपने कार्ड पर फ़ोटो चाहते हो वो यहाँ पे लगवा सकते हो, जिनके दोस्तों आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जिसमें दोस्तों आप कोई भी फ़ोटो लगवा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको कोई आर्ट वगैरह अच्छी लगती है तो आप उसके ही फ़ोटो लगवा सकते हो। दोस्तों देखिए इस तरीके से आपके डेबिट कार्ड पर आर्ट वाला फ़ोटो लगा हुआ आएगा। तो यही एक तरीका है जिसमें आप अपने पसंद का डेबिट कार्ड अपनी बैंक से मंगा सकते हो, जो देखने में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगे। तो दोस्तों आपको तरीका अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप अपने मनपसंद डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, फ़ोटो लगवा सकते हो और उसे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों जो चार्जेस लगने वाले हैं वो भी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।